हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई दाल की बहुत ही क्रिस्पी पूड़ियाँ जो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है और ये है रात की बची हुई दाल, लेफ्ट ओवर दाल। डालेंगे आधा कटोरी सूजी, 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे, छोटी चम्मच सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब इसको अच्छी तरह से डो लगा लेना है पूड़ियों का। हमारा डो रेडी है बिल्कुल। अब इसके पेड़े बना लेंगे। अब एक एक करके सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। हमने जो सारे पेड़े बना लिए हैं अच्छे से पूड़ियाँ बना के रख लेंगे सारी। यह मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था और एक एक करके हमारी जो हमने पूड़ियाँ बना के रखी हुई हैं एक एक करके डालते जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी पूड़ियाँ बनती हैं बची हुई दाल से। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप और उसमें सूजी ज़रूर से डालें। इससे हमारी पूड़ियों में बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है और आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं, फूली फूली क्रिस्पी क्रिस्पी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसे इसी तरह से एक एक करके सारी पूड़ियाँ तल के रख लेंगे, सारी तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी पूड़ियाँ सर्विंग ट्रे में निकाल ली हैं और अचार के साथ सर्व कर दिया है और आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई। तो एक बार नाश्ता में ये ब्रेकफास्ट ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई करें।